8 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम ने अपने एक संबोधन में कहा था कि हिजबुल्ला के भीतर अब कोई भी पद खाली नहीं है, सभी पदों को भरा जा चुका है और हिजबुल्ला व्यवस्थित और पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है, जिसका नजारा इसराइल में एक दिन बाद ही देखने को मिला, जब हिजबुल्ला ने IDF के इतने भीषण हमलों के बावजूद पूरी ताकत से इसराइल के भीतर जबरदस्त हमले किए हैं और साथ ही बॉर्डर इलाकों में भी इजरायली सेना को पीछे धकेलने का काम किया है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजरायली फोर्स पर एक बहुत बड़ा हमला किया। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उत्तरी इसराइल के कई इलाकों में एक साथ 180 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्ला के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हाइफा शहर का नाम था। हिजबुल्ला के मुताबिक हाइफा पर उसने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे इसराइल को तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने रास अल नकोरा में भी कुछ रॉकेट फायर किए हैं और वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने कहा कि इन हमलों में करीब 18 जवान घायल हुए, जिन्हें साफेद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के रॉकेटों का एक पूरा जत्था किरियत शमोना में भी जाकर गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती तौर पर ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और एक बार फिर आयरन डोम हिजबुल्ला के द्वारा फायर किए गए रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है, जिसको लेकर IDF ने एक जांच कमेटी बिठा दी है। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया ने यह भी कहा कि जब हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे तो करीब 30 कस्बों और शहरों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। हमलों का प्रमुख केंद्र हाइफा और क्रियोत इलाका ही था। इसको लेकर इजरायली चैनल 12 का कहना है कि करीब 20 रॉकेट वेस्टर्न गलीली इलाके में आकर गिरे, जबकि हाइफा पर 40 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए और इनमें से एक रॉकेट हाइफा के उपनगरीय इलाके किरियत बियालिक में जाकर फटा, जिसकी वजह से वहां पर बत्ती गुल हो गई। और इस हमले से पहले लेबनान से दागी गई 2 मिसाइलों को दक्षिणी हाइफा के कारमेल इलाके में इंटरसेप्ट कर लिया गया। चैनल 12 का कहना है कि हाइफा में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं और इन हमलों की वजह से किरियत इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। इजरायली न्यूज़पेपर वाला के मुताबिक लेवियथान इलाके में हिजबुल्ला ने एक गैस एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म पर रॉकेट दागे थे, हालांकि इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच इजरायली फोर्स लगातार दक्षिणी लेबनान में आग बरसा रही है और हिजबुल्ला लगातार IDF को रोकने की कोशिश कर रहा है। IDF के मुताबिक 9 अक्टूबर 2024 को इस लड़ाई में करीब 3 सैनिक घायल हुए हैं। IDF का ये भी कहना है कि लेबनान से करीब 20 रॉकेट किरियत शमोना पर दागे गए। IDF ने कहा कि उसने जब से लेबनान पर जमीनी हमला किया है, तब से ये पहली बार है जब हिजबुल्ला के किसी हमले में 2 नागरिकों की जान गई हो। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान रेवितल यहूद उम्र 45 साल और दवीर शारवित उम्र 43 साल के रूप में हुई है। ये दोनों ही अपने कुत्ते के साथ खुले में घूम रहे थे और सुरक्षित शेल्टर न मिलने की वजह से हिजबुल्ला के रॉकेट की चपेट में आ गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्ला की तरफ से हुए हमलों में अभी तक कुल 28 नागरिकों की जान चली गई है।